हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ और इस ब्लॉग में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ घूमने। तो मैं वो सारा वीडियो शूट करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ घूमने और अभी मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी वर्कशॉप थी पालमपुर में, तो अभी जस्ट मैं 8:30 पहुँची थी। तो पैकिंग मैं ऑलरेडी करके गई हुई थी कि मुझे जाना है घूमने। सो आके मैंने जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म किया, देन थोड़ी बहुत पैकिंग बचती थी जो अभी चल रही है। और देखिए आज मैंने बनाई है मैगी, क्योंकि यू नो 5 मिनट में कौन सा खाना बन सकता है। ऑलरेडी मैं लेट पहुंची हूँ इसलिए मैंने आज मैगी ही बनाना अच्छा समझा, क्योंकि मुझे और बहुत सारे काम थे। थोड़ी सी पैकिंग भी बचती थी, यू कैन सी मैंने अभी भी खलारा डाला हुआ है अपने कमरे में पैकिंग के लिए, क्योंकि मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, 5 बजे मेरी बस है। सो यू कैन सी ये मेरी मैगी, बहुत ही सिंपल सी मैगी बनाई है मैंने जो 5 मिनट में बन जाए। और वो रखा है मैंने बैग आके, ये मेरा एक बैग ये पड़ा है, कुछ सामान यहाँ पड़ा है, एक बैग पैक करके मैंने वो रखा हुआ है। मीन्स अभी पैकिंग चल ही रही है मेरी। बहुत जल्दी ही पैकिंग ख़त्म करके मैं सोने वाली हूँ क्योंकि मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना है। एंड मैं जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपको एक जो मेरे फेवरेट पर्सन है, माय स्पेशल वन, उनसे भी मिलवाऊँगी। कौन है ये आपको मैं वीडियो में बात बताऊँगी। मिलते हैं मॉर्निंग 4 बजे। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 4:50 और मैं 4 बजे उठ गई थी। टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी थी कि बस ना छूट जाए। एंड ये है मेरे बैग, बिग बैग एंड दिस स्मॉल बैग। और बस मैं निकलने ही वाली हूँ, जा रही हूँ फ्लाइट से। मैं बताऊंगी कि फ़्लाइट से भी जो जो गया है उसको तो पता होगा, बट जो फ्लाइट से नहीं गए हैं कैसे कैसे जाते हैं, अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में जा रही हूँ। पहले एक बार जा चुकी हूँ, पापा के साथ मैं मणिपुर गई थी। वहाँ से मैं वापस आते टाइम फ़्लाइट में आई थी, बट अकेली मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में जा रही हूँ। आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, अभी 5 बज चुके हैं और मैं खड़ी हूँ रोड पे बस लेने के लिए। मेरे रूम के बाहर ही बस आने वाली है, सिटियों की उसमें मैं जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, मुझे बस मिल गई है और मैं बस पे बैठी हूँ। चलो फिर दिखाते हैं आपको व्यू। तो फ्रेंड्स, ये है नदौन, यहीं पास में नदौन का बस स्टैंड है। ये जो सिटियों की बस है 5:15 पे यहाँ से चलेगी। मैं रूम के पास से बैठ के आ गई थी बस में। और यू कैन सी हिमाचल की नेचुरल ब्यूटी, वी कैन से हमीरपुर की नेचुरल ब्यूटी। एंड वेदर बहुत अच्छा है, मॉर्निंग में ठंडा ठंडा सा मौसम है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ ऊना, एंड ये है ऊना का बस स्टैंड। यू कैन सी कितना बड़ा बस स्टैंड बन गया, पहले ये छोटा सा होता था। आज मैं बहुत टाइम के बाद यहाँ आई हूँ, ऊना बस स्टैंड। वो रही मेरी बस सीटियों की, अभी मुझे 2-3 घंटे और लगेंगे चंडीगढ़ के लिए। आफ्टर दैट मैं जाऊँगी फ्लाइट लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, से जाते जाते आधे रास्ते में लग चुकी है बारिश और मौसम काफ़ी चिल्ड हो गया है। बहुत ही मज़ा आ रहा है आज से सफ़र करने का, क्योंकि ऐसा जब वेदर हो तो आजकल के इन गर्मियों के मौसम में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ।
ऑल्दो मैं अकेली हूँ बट फिर भी मजा आ रहा है आज तो। सो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ मैं कहाँ पहुँच चुकी हूँ। एक्चुअली मैं गैस करिए कहाँ पहुँच चुकी हूँ। यस, यू आर राइट, मैं चंडीगढ़ के नज़दीक पहुँच गई हूँ और हर तरफ ग्रीनरी ग्रीन ग्रीन जो नेचुरल ब्यूटी है वो दिखाई दे रही है क्योंकि आजकल बारिशें हो रही हैं तो नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए। अभी बहुत जल्दी मैं चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगी। सो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ चंडीगढ़ एंड यहाँ पर बारिश हुई है, यू कैन सी। एंड ये है 43 सेक्टर का बस स्टैंड। बस स्टैंड में बस मेरी बस एंटर कर रही है एंड यू कैन सी दिस इज़ चंडीगढ़ 43 सेक्टर बस स्टैंड। बहुत बड़ा बस स्टैंड है ये भी। ये ग्रीन ग्रीन जो बसेस दिखाई दे रही हैं चंडीगढ़ की बसेस हैं, ये स्पेशली चंडीगढ़ में ही चलती हैं। सो अभी मेरी बस रुकेगी, कुछ खाऊंगी पीऊंगी, फिर मैं निकलूंगी एयरपोर्ट के लिए। मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हूँ, ये है मेरा बैग एंड एयरपोर्ट पहुँचते हुए दिखाऊंगी। ये है चंडीगढ़ की सड़कें। चंडीगढ़ बहुत ही नीट एंड क्लीन सिटी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है चंडीगढ़। मुझे ही क्या, आई थिंक आप सबको अच्छा लगता होगा क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लेस है। और ये मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट के नज़दीक। सो फ्रेंड्स, ये है चंडीगढ़ एयरपोर्ट, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से फ्लाइट लेने जा रही हूँ और ये यहाँ पर है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का गेट, आपको दिख रहा है। यहाँ पे चेकिंग होगी, आफ्टर दैट अंदर एंट्री मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, बाकी जो है वो पार्ट टू आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फ्लाइट ली जाती है, एयरपोर्ट कैसा दिखता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। सो उसके लिए आप पार्ट टू का वेट कीजिए, जल्दी ही आपको पार्ट टू की वीडियो भी मिल जाएगी। आई विल शो यू एवरी थिंग कि एरोप्लेन से कैसा जो नीचे दिखाई देता है, कैसा व्यू होता है, आपको सब कुछ दिखाऊंगी। सो उसके लिए बने रहिए, मिलते हैं पार्ट टू में। बाय बाय।